हेलो फ्रेंड्स, दादी के ढाबे में आपका स्वागत है। आज हमारी दादी बनाने जा रही है गुलाब जामुन। तो दादी बताएंगे कि कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है 3 पाव मैदा लिया है, 3 पाव मैंने मावा लिया है, 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है और 600 ग्राम मैंने शक्कर ली। इसकी हम चाशनी बनाएंगे और तलने के लिए मैंने घी लिया है। पहले मावे को अच्छे से मसल लेंगे। अब इसमें हम मैदा थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। देखिए, चाशनी बनाने के लिए हमने शक्कर कढ़ाई में डाल दी है। जिस बाउल से हमने शक्कर लिया था 600 ग्राम, उतना ही बाउल भर के हम इसमें पानी डाल देंगे और चाशनी को चाशनी को पतली होने तक, शक्कर घुलने तक पकाएंगे। ये गुलाब जामुन का बेस तैयार हो गया। इसमें मैंने मैदा मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें 1 पिंच मैंने खाने का सोडा डाला। अब इसके मैं गोले बनाऊंगी। देखिए, चाशनी हमारी पकने लगी। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे तो जिसका शक्कर का मेल है जितना, इसमें सब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतना सारा मेल निकला शक्कर। चाशनी को हम नीचे रख देंगे। इसके अंदर हम घी डालेंगे। चलो, देखिए जामुन हमने घी में फ्राई कर रहे हैं। अभी अच्छे गुलाबी हो जाएंगे तो हम इसको चाशनी में डाल देंगे। घी बिल्कुल अच्छे से निथार देना है इसका। तो फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।